Hello friends, welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. We are continuing our chapter messages of ICSE 10th physics. हमने अपने पिछले क्लासेस में मैकेनिकल एडवांटेज, वोल्टेज रेशियो, एफिशिएंसी पढ़ा, फिर सिंगल फिक्स्ड पुले और सिंगल मूवेबल पुले के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है? आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ पुले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक? किसी ने भी अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं लिखा होगा तो वो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ पुलेज। हमने अपने पिछले क्लासेस में सिंगल फिक्स्ड पुले पढ़ा, ठीक है? सिंगल फिक्स्ड पुले का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? वन होता है। इसका मतलब क्या कि हम जितना भी लोड होगा हमें उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट हमने सिंगल मूवेबल पुले पढ़ा, ठीक है? उसमें हमने क्या देखा कि मैकेनिकल एडवांटेज सिंगल मूवेबल पुले का 2 होता है, ठीक है? तो वो क्या करता है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर वर्क करता है, इसका मतलब अगर 500 kg का लोड है, अगर हमें उसे उठाना है तो हमें यूजिंग सिंगल मूवेबल पुले हमें सिर्फ 250 kg का ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब उसका हाफ एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट ये बहुत सारे केसेस में पॉसिबल नहीं है। लेट सपोज कीजिए कि कभी जो वेट है वो 1000 kg का होगा या 10,000 kg का होगा या उससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है? तब हम एक सिंगल मूवेबल पुले से यूज करके नहीं उठा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 10,000 kg का लोड है हमारा, तो सिंगल मूवेबल पुले क्या करेगा, उससे हाफ डिवाइड कर देगा, मतलब 5,000 kg का हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो उतना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ पुले को यूज करेंगे ताकि लोड को और रिड्यूस कर सके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुले में पहला जो टाइप है उसमें हम बहुत सारे नंबर्स ऑफ पुलेस को ऐड किया है हमने, ठीक है? उसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट 4 पुले यूज किया है हमने, ठीक है? जिसमें कि 1 फिक्स्ड पुले है, ठीक है, और 3 मूवेबल पुले, ठीक है? मूवेबल पुले क्यों यूज किया हमने, 3 क्योंकि मूवेबल पुले हम जानते हैं कि वो मैकेनिकल एडवांटेज 2 देता है, ठीक है? तो 3 यूज किया है हमने, 1 फिक्स्ड पुले यूज किया है। हम फिक्स्ड पुले में जानते हैं कि वो क्या करता है, डायरेक्शन को रिवर्स करता है, ठीक है? जैसे ये क्या किया, मूवेबल पुले तो डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर पाते, हमें फोर्स इस केस में अगर हम लगाएंगे तो हमें फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, बट मूवेबल सिंगल फिक्स्ड पुले क्या कर दिया, वो हमारे कन्वीनियंट डायरेक्शन में फोर्स हमें लगाने के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या किया है, 3 मूवेबल पुले और 1 फिक्स्ड पुले का यूज किया है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ देखिए, सिंगल फिक्स्ड पुले का क्या हम जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, ठीक है? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, लोड अपन एफर्ट, ठीक है? तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 है, इट मींस लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट इज 1 है, ठीक है? तो इसमें से क्या पता चला हमें कि लोड जो है जितना लोड होगा उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा हमें, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अब वेलोसिटी रेशियो भी सिंगल फिक्स पुले का 1 ही होता है, तो एफर्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लोड डिस्टेंस, वेलोसिटी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, एफर्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लोड डिस्टेंस, तो ये भी 1 होगा, ठीक है? तो यहाँ से हमें ये भी फाइंड आउट हो गया कि एफर्ट डिस्टेंस और लोड डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हमें इफिशियंसी निकालना है तो इफिशियंसी क्या फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज रेशियो, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 था, वेलोसिटी रेशियो भी 1 है, इफिशियंसी भी क्या जाएगा 1, इट मींस 100%। नेक्स्ट क्या है, मूवेबल पुले, ठीक है? मूवेबल पुले का मैकेनिकल एडवांटेज हम जानते हैं कि लोड अपन एफर्ट होता है और ये क्या होता है 2, ठीक है? मतलब वेलोसिटी मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो गया, लोड बाय एफर्ट का रेशियो 2 हो गया, ठीक है? वेलोसिटी रेशियो भी 2 है, वेलोसिटी रेशियो 2 है, इट मींस व्हाट, कि एफर्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ऑफ लोड डिस्टेंस, 2 इनटू लोड डिस्टेंस, ठीक है? मैकेनिकल एडवांटेज अगर इसका भी हम निकालेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 है यहाँ, वेलोसिटी रेशियो भी 2 है यहाँ, तो फिर इसका एफिशिएंसी यहाँ पे भी 1 आ गया, दैट इज 100%। अब इसे हम डिटेल में 1 by 1 समझते हैं, ठीक है? आप फिगर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है? क्या आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 3 मूवेबल पुले यूज किया है, ठीक है? ए बी सी, 3 मूवेबल पुले यूज किया है और 1 फिक्स्ड पुले डी यूज किया है, ठीक है? तो इस पुले को हम 1 by 1 समझते जाता हूँ। पुले ए है, ये पुले ए, उसके लिए लोड क्या होगा, एल, तो इसका जो लोड है इसका टेंशन कहाँ लगेगा, यहाँ पे T1 और T1, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसका लोड जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट में हमारा टेंशन लगता है, तो इसका जो लोड है वो ऊपर में डिवाइडेड होगा T1 + T1 में, ठीक है? इट मीन्स पुले ए के लिए लोड क्या होगा, T1 + T1, तो 2 T1 आ गया लोड। नेक्स्ट पुले बी के लिए देखिए, पुले बी के लिए क्या होगा, T1 जो है एक लोड के जैसा एक्ट करेगा, ये होल सिस्टम जो है पुले बी के लिए लोड के जैसा एक्ट कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे T1 एज अ लोड एक्ट कर रहा है, तो इसमें जब टेंशन हम डिवाइड करेंगे तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, T2 + T2 इज इक्वल टू 2T2, यहाँ पे ये पुले है, ठीक है? इस पुले को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ T2 और ये T2,
ये दो टी टू में डिवाइड हुआ है, तो टी वन इज इक्वल टू टी टू प्लस टी टू, इट मीन्स वॉट, टू टी टू। ठीक है, पुले बी के लिए टेंशन क्या हो गया, टू टी टू। अगर हम यहाँ पे लोड निकालते हैं तो लोड क्या है, टू टी वन। ठीक है, और टी वन का वैल्यू क्या है, टी वन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि टू टी टी वन का वैल्यू क्या है, टू टी टू। यहाँ से हमने निकाला टी वन इज इक्वल टू टू टी टू, तो इसे हमने पुट कर दिया तो आ गया हमारा फोर टी टू। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली उसी तरह पुले सी के लिए भी वही होगा। पुले सी के लिए क्या करेगा, ये सारा जो है वो एज ए लोड एक्ट करेगा। ठीक है, पूरा होल नीचे तक, ठीक है, सारा लोड के जैसे एक्ट करेगा। ठीक है, तो टेंशन टी टू जो होगा यहाँ पे वो कितना होगा, टी थ्री प्लस टी थ्री, इट मीन्स टू टी थ्री। अब सेम अगर हम लोड निकालते हैं इसके लिए तो फोर टी टू, दैट इज फोर, और टी टू का क्या वैल्यू यहाँ पे निकला, टी थ्री। टी थ्री का क्या वैल्यू है, टू इंटू टी थ्री। टी टू का वैल्यू क्या है, टू इंटू टी थ्री, तो यहाँ हम पुट कर दिए तो हमारा क्या आ गया, लोड इज इक्वल टू एट टी थ्री। ठीक है, एफर्ट हम कहाँ से लगा रहे हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट इस यहाँ पे एफर्ट लग रहा है, तो टेंशन यहाँ पे ऊपर ऊपर अप हैंड साइड लगेगा, ये टी थ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे एफर्ट क्या होगा, ये तो सिर्फ टी थ्री ही होगा। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज हम निकालेंगे तो क्या आएगा, लोड अपन एफर्ट, लोड क्या आया, एट टी थ्री, और एफर्ट क्या है, टी थ्री, तो क्या आ गया, टी थ्री से थ्री कट आउट हो गया, तो एट, एट को हम क्या लिख सकते हैं, टू टू द पावर थ्री। ठीक है, मतलब कि जितना नंबर ऑफ पुलेज होगा, अभी हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से जो हमने अभी डिराइव किया उससे हमने क्या समझा कि जितना नंबर ऑफ पुलेज होगा वो जो लोड है उसमें डिवाइडेड होते जाएगा। ठीक है, जैसे टेंशन ए के लिए टी वन, टी वन लगा, फिर टू के लिए टी टू, टी टू लगा, सी के लिए टी थ्री लगा, और नंबर ऑफ पुलेज अगर हम और ऐड करते जाते हैं, जैसे अगर और एक और मूवेबल पुले होता डी या ई, ठीक है, तो वहां पे भी टेंशन T4 T4 में डिवाइड हो जाता, फिर T5 T5 में डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ पुलेज होंगे, नंबर ऑफ मूवेबल पुले होंगे, उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। ठीक है, तो वो 2 की पावर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या आया, 2 to power 3, इट मीन्स यहाँ पे मूवेबल पुले 3 लेके हमने किया था तो ये 3 आ गया। ठीक है, इट मीन्स हमेशा जो है अगर हम ये वन कॉम्बिनेशन ऑफ पुले में हम वन फिक्स्ड और नंबर ऑफ टाइम्स मूवेबल पुले लेते हैं, तो जितना नंबर ऑफ मूवेबल पुले होगा वही 2 to power n जो होगा उतना मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा हमारा। अगर 4 पुले होता है तो 2 to power 4, इट मीन्स 16 आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, 5 होगा तो 32 आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, इसी तरह से चलता जाएगा। नेक्स्ट, अब वेलोसिटी रेशियो। हमें किसी भी एक्सप्रेशन में क्या दो चीज फाइंड आउट करना पड़ता है, एक मैकेनिकल एडवांटेज और एक वेलोसिटी रेशियो। तो अभी हमने मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लिया यहाँ पे कि 2 to power n होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं। हम क्या जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो मूवेबल पुले का 2 होता है। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, एफर्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लोड डिस्टेंस 2 हो गया। यहाँ पे एफर्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 लोड डिस्टेंस। ठीक है, अब हम पुले ए के लिए देखते हैं। ठीक है, मूवेबल पुले में हम जानते हैं कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या है, ये लोड डिस्टेंस, एफर्ट डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने पहले देखा था जब हम सिंगल मूवेबल पुले पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था, एक हाथ से अगर हम कुछ एफर्ट लगा रहे हैं तो हमें क्या कितना लगाना पड़ेगा, और दो हाथ से लगा रहे हैं तो क्या लगाना पड़ेगा। हमारा जो डिस्टेंस है जब मूवेबल पुले में, वो हाफ से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम मूवेबल पुले के लिए लोड डिस्टेंस एक्स होगा तो एफर्ट डिस्टेंस डबल हो जाएगा इसका। ठीक है, मीन्स एफर्ट जितना होगा उससे आधा ही हमारा लोड होगा, आधा ही डिस्टेंस लोड मूव करेगा। ठीक है, उसी तरह पुले बी के लिए 2x अगर लोड डिस्टेंस है तो एफर्ट डिस्टेंस 4x। ठीक है, पुले सी के लिए लोड डिस्टेंस 4x और एफर्ट डिस्टेंस 8x। ठीक है, इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं तो एफर्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लोड डिस्टेंस, तो 8 क्या है, 8x था एफर्ट डिस्टेंस। ठीक है, और लोड क्या है, लोड हमारा क्या है, x आया। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, 8। ठीक है, इट मींस जैसा मैकेनिकल हमने एडवांटेज हमने निकाला सेम है यहाँ पे कि जितने नंबर ऑफ पुलेज होंगे उतना 2 to power n वही हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 to power n, वेलोसिटी रेशियो 2 to power n, तो एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो 2 to power n डिवाइडेड बाय 2 to power n, तो दोनों कट आउट हो जाएगा तो एफिशिएंसी 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इट मींस एफिशिएंसी इज 100%। नेक्स्ट इज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में क्या है, हम दो ब्लॉक ऑफ पुले को यूज करते हैं। अपर साइड में जो पुले होता है वो फिक्स्ड होता है, जैसे कि आपने फिगर देखिए, अपर में जो पुले है वो फिक्स्ड है और लोअर साइड में जो पुले है वो मूवेबल पुले है। ठीक है, अपर साइड का पुले
को ब्लॉक कहा जाता है और नंबर नीचे वाले साइड का जो पुल है वो टैकल है, कि इसलिए इस सिस्टम को ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अपर साइड में फिक्स्ड पुलें यूज कर रहे हैं और लोअर साइड में मूवेबल पुलें यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मूवेबल पुलें जो होता है लोअर साइड में वो हमेशा इक्वल होगा अपर साइड से या फिर वन लेस होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देखिए कि यहाँ पे इस सिस्टम में 3 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये दोनों अपर साइड में और लोअर साइड में इक्वल हो सकता है या फिर वन लेस हो सकता है। मूवेबल पुले कभी ज्यादा नहीं होगा फिक्स। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि टोटल 5 पुले सिस्टम है तो 3 फिक्स होगा, 2 मूवेबल होगा। अगर टोटल 10 पुले है तो 5 फिक्स होगा, 5 मूवेबल होगा। अगर 15 पुले है टोटल तो 8 फिक्स होगा और 7 मूवेबल होगा। इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस टाइप का सेटिंग क्यों किया जाता है, ताकि नीचे में ज्यादा लोड ना हो हमारा। नीचे में अगर हम फिक्स्ड पुले 2 रखते हैं और 10 रख देते हैं मूवेबल पुले, तो क्या होगा, सिस्टम का लोड बढ़ता जाएगा और इफिशियंसी घट जाएगा उस सिस्टम का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इतना सारा जो पुले हम देख रहे हैं कि 5 पुले सिस्टम है, 4 पुले सिस्टम है, 3 पुले सिस्टम है या 10 पुले सिस्टम है, नंबर जितने भी है, हम उस सारे पुले को कनेक्ट कैसे करते हैं, हम वो देखते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज कीजिए आप इस 3 पुले सिस्टम को देखिए। 3 पुले सिस्टम में क्या होता है, 3 पुले सिस्टम में 2 फिक्स होगा और 1 मूवेबल होगा। ठीक है, पुले का में जनरली क्या होता है कि एक एंड जो होगा वो हमेशा फ्री होगा। ठीक है, जिससे कि हम एफर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, पहले फिक्स्ड पुले को क्या करते हैं हम, 3 पुले सिस्टम में आप देखिए कि फिक्स्ड पुले को क्या करते हैं हम, ये एक एंड तो फ्री है और दूसरे एंड को हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं मूवेबल पुले से, और उसके बाद मूवेबल पुले से फिर से जाके ये फिक्स्ड पुले में कनेक्ट होता है और फिक्स्ड पुले का ये जो एंड है वो मूवेबल पुले में कनेक्ट हो जाएगा। मूवेबल पुले में कनेक्ट होना होगा, नहीं तो क्या करेगा ये, तो मूवेबल पुले लटक जाएगा, वो तो गिरने का पोजिशन में आ जाएगा, तो इसे हमें सिक्योर करना होगा, इसलिए फिर से इसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप 4 पुले सिस्टम में आप फिगर में देखिए, यहाँ पे 4 पुले सिस्टम है, इट मीन्स वो 2 फिक्स्ड होगा और 2 मूवेबल होगा। ठीक है, एक एंड तो हमेशा फ्री होगा वायर का, रोप का, उसके बाद हम दूसरा एंड को लेके मूवेबल में ले जाएंगे और उसके बाद ये मूवेबल जाके फर्स्ट के फिक्स्ड में फिक्स्ड पुले के सेकंड वाले में कनेक्ट होगा और उसके बाद फिर से वो जाके मूवेबल में कनेक्ट होगा और मूवेबल उसके बाद जाके फिक्स्ड एंड में कनेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करने वाला ये बात है कि एंड जो ऑड नंबर ऑफ सिस्टम है, एक हमने यहाँ पे 3 सिस्टम देखा और 4 का सिस्टम देखा, 3 पुले सिस्टम और 4 पुले सिस्टम, तो ऑड नंबर ऑफ सिस्टम जो है, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, 3 नंबर वाले में है, तो इसमें जो मूवेबल पुले होगा उसका जो एंड होगा हमेशा फिक्स्ड पुले से कनेक्टेड होगा। जिस पुले में स्ट्रिंग, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि जो पुले है उसका जो एंड होगा उसके अपोजिट से कनेक्टेड होगा। जैसे कि यहाँ से राइट स्ट्रिंग निकला तो वो क्या करेगा, इसके लेफ्ट में, इसके दूसरे वाले में कनेक्ट होगा। इसमें एंड से स्ट्रिंग किस पुले से निकला, इसमें, तो वो इस वाले से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्शन में समझ में आ गया कि कनेक्शन कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 4 फिगर दिया है, आप इस चारों फिगर को डिटेल में देखिए कि कैसे कैसे क्या किया है। ठीक है, सिंगल फिक्स्ड पुले है, फर्स्ट फोटो क्या है, सिंगल फिक्स्ड पुले का है। सिंगल फिक्स्ड पुले का हम जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा, वेलोसिटी रेशियो 1 होगा, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर क्या है, ये कंपाउंड पुले का फिगर है। ठीक है, कंपाउंड पुले का भी हमने निकाला था पहले कि मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 होता है और एफिशिएंसी 1 होता है। इट मींस जितना भी हम लोड देंगे, 100 न्यूटन का लोड है तो वो क्या किया, हाफ डिवाइड कर दिया लोड को। ठीक है, 100 लोड है तो हमें एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा, 50 न्यूटन का ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड फिगर में देखिए। ठीक है, थर्ड फिगर में एक जो है फिक्स्ड पुले और हम ऐड कर दिए। ठीक है, इसमें एक फिक्स्ड पुले था तो इस थर्ड वाले में हम एक और फिक्स्ड पुले ऐड कर दिए। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो रहा है। ठीक है, लोड जैसे जैसे नीचे जाएगा, ठीक है, तो जब हम एफर्ट लगा रहे हैं तो क्या इसमें टेंशन डेवलप होगा, तो हमने पहले से ही देखते आ रहे हैं हम कि जैसे लोड में स्ट्रेच कर होता है, लोड टेंशन डेवलप होता है, टेंशन कितना डेवलप होता है, टी टेंशन डेवलप होगा इस स्ट्रिंग के अक्रॉस, इस स्ट्रिंग के अक्रॉस, इस स्ट्रिंग के अक्रॉस। ठीक है, टेंशन टी डेवलप होगा तीनों साइड में। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, पहले टॉपिक में पढ़ा कि हर में जो टेंशन है वो अलग अलग डेवलप होता था, T1, T2, 3T डेवलप होता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये टेंशन हमेशा एक ही डेवलप क्यों हो रहा है, सिर्फ T T T टेंशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि अभी यहाँ पे रोप जो है वो सिर्फ सिंगल रोप है। ठीक है, रोप एक ही है
इस पुले से लेके दूसरे पुले से लेके तीसरे पुले तक मूव किया है, ठीक है। तो टेंशन एक ही है, तो हम एक ही स्ट्रिंग है, तो हमेशा जो टेंशन है वो इक्वली डिवाइड होगा सब में, ठीक है। तो लोड यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोड क्या आ जाएगा, टी टी प्लस टी प्लस टी, इट मीन्स 3T, ठीक है। यहाँ पे 3T यहाँ पे टेंशन हो गया, और एफर्ट क्या होगा, एफर्ट तो टी ही लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हर में टी है, तो यहाँ पे एफर्ट टी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, 3 आ गया इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ पुले हैं मैकेनिकल एडवांटेज उतना आ रहा है, ठीक है इस केस में। अब हम 4 पुले सिस्टम में भी ट्राई करते हैं निकालने का कि यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जब लोड आ है तो यहाँ पे भी टेंशन जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। हर जगह जो है टेंशन टी ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लोड क्या होगा, लोड यहाँ पर क्या होगा, 4T, ठीक है। यहाँ पे 4T लोड होगा और एफर्ट तो टी ही रहेगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इट मींस कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जितने नंबर ऑफ पुलेज होंगे मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही आएगा, ठीक है। अगर 3 नंबर ऑफ सिस्टम है तो मैकेनिकल एडवांटेज 3, 4 सिस्टम है तो मैकेनिकल एडवांटेज 4, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पुलेज होंगे उतना मैकेनिकल एडवांटेज आएगा। नेक्स्ट इज वेलोसिटी रेशियो। एन पुले के सिस्टम में अगर लोड डी डिस्टेंस से मूव करेगा तो स्ट्रिंग जो है वो हर स्ट्रिंग का हर सेगमेंट भी उतना ही डिस्टेंस से ऊपर या नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लोड डिस्टेंस यहाँ पे डी होगा, स्मॉल डी, और एफर्ट डिस्टेंस एन डी होगा, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी रेशियो इसको हम निकालते हैं तो फिर से ये एन होगा हमारा वेलोसिटी रेशियो। हमारा एन मैकेनिकल एडवांटेज भी आया था और वेलोसिटी रेशियो भी एन, इट मींस जब हम इफिशियंसी निकालते हैं तो ये भी 1 आएगा, इट मींस 100% इफिशियंसी, ठीक है। बट आइडियली ही इफिशियंसी 100% होता है, और प्रैक्टिकल केस में हमेशा फ्रिक्शन लगता है और वो पुले को का इफिशियंसी को डिक्रीज करता है, हमेशा जो इफिशियंसी है वो 1 से कम ही होगा, ठीक। नेक्स्ट, इफेक्ट इफेक्ट ऑफ वेट ऑन पुलेज ऑन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी। हमारा पुले है, ठीक है, 5 पुले सिस्टम है, 4 पुले सिस्टम है, 3 पुले सिस्टम है, उसमें जो ऊपर का एंड है, फिक्स्ड एंड है, वो तो ऊपर रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन नीचे में जितने भी मूवेबल पुले हमने लगा के रखे हैं वो क्या कर रहा है, उसका समहाउ तो वेट है ही कुछ कुछ, ठीक है। हमने पहले अभी देखा जितने भी सिस्टम में हमने सारे को वेट को नेग्लिजिबल मान लिया, बट वो तो सारे एक लोड के जैसे एक्ट किए, वो आइडियली है कि वो नेग्लिजिबल हम वेट मान सकते हैं, बट आइडियली तो ऐसा कभी होगा नहीं, हमेशा वो ऐड करेगा लोड के साथ, उसका वेट ऐड कर जाएगा, ठीक है। इसमें हम निकालते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, एफिशिएंसी कितना होगा, ठीक है। लेट अस सपोज कीजिए कि यहाँ पे एन नंबर ऑफ पुलेज है, टोटल वेट जो है डब्ल्यू है, तो बैलेंस सिस्टम में, बैलेंस सिस्टम मतलब कि सिस्टम जब रुका हुआ है, ठीक है, जब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है, एफर्ट टी लगेगा, और लोड कितना है, लोड जो है वो टोटल लोड प्लस टोटल वेट वो एन टी, एन टी मतलब जितने नंबर ऑफ सिस्टम होंगे, ठीक है। तो लोड इज इक्वल टू व्हाट, एन टी माइनस डब्ल्यू, जो वेट है उसे माइनस हो जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड का फॉर्मूला यहाँ पे एन टी माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, एफर्ट, इट मीन्स टी, एफर्ट क्या है, टी है, तो यहाँ पे या फिर टी को एफर्ट लिख दिए या एफर्ट को टी लिख दिए, बोथ आर सेम थिंग। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, एन माइनस डब्ल्यू बाई ई, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो से उस वेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वेलोसिटी रेशियो यहाँ एन ही होगा, एन एन नंबर ऑफ पुलेस के लिए, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितना हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, तो एन माइनस डब्ल्यू बाई ई डिवाइडेड बाय एन। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा 1 माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एन ई, ठीक है, ये हमारा इफिशियंसी आता है। इट मीन्स कि इफिशियंसी जो है हमेशा 1 से कम है, 1 से ज्यादा नहीं है इफिशियंसी, ठीक है। थैंक यू।